नमस्कार साथियों, नवजागृति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, इस चैनल के माध्यम से स्टेनोग्राफर करियर के लिए स्टेनोग्राफी के अभ्यास, नई नई डिक्टेशन, स्पीड बढ़ाने की ट्रिक्स, शब्द चिन्ह, वाक्यांश और टिप्स फॉर सक्सेस आदि बताए जाते हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली स्टेनोग्राफी की परीक्षाओं में निश्चित सफलता हेतु हमारे वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। साथियों, ये सब आपको लगातार मिलता रहे, इसके लिए कृपया हमारे नवजागृति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, शॉर्टहैंड में किसी भी प्रकार की कठिनाई के संबंध में आप ईमेल या कमेंट या मोबाइल द्वारा समाधान ले सकते हैं। मेरा नाम अजय सक्सेना है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथियों, ये डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से है, जिसका समय 10 मिनट का है। स्टार्ट परिवादिनी श्रीमती राजकुमारी द्वारा योजित परिवाद के आधार पर अभियुक्त अरविंद सिसोदिया का विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अंतर्गत किया गया। संक्षेप में परिवाद पत्र के अनुसार परिवादिनी का कथन इस प्रकार है कि उसकी शादी विपक्षी अभियुक्त अरविंद सिसोदिया के साथ वर्ष 1992 में विधिवत हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अग्नि के समक्ष सात भामरों के साथ उसके घर नगला ख्याली थाना मेहरची में संपन्न हुई थी, तथा वह विपक्षी अभियुक्त अरविंद के साथ विदा होकर गई थी, तथा उसके पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज देकर उसे विदा किया था, जिस पर विपक्षी अभियुक्त असंतुष्ट था। विपक्षी परिवादिनी से नौकरी के बहाने 50,000 रुपये तथा एक मोटरसाइकिल की मांग करने लगा, जिसे देना उसके माता पिता की सामर्थ्य के बाहर था। उक्त कथित मांग की पूर्ति न कर सकने के कारण विपक्षी वह परिवादिनी के साथ बुरी तरह से पेश आता था तथा मारपीट करता था। मार्च 1998 को विपक्षी ने उसको बुरी तरह से मारा पीटा तथा जो शरीर पर कपड़े थे के साथ घर से धक्का देकर निकाल दिया। परिवादिनी का अभिकथन है कि जब वह पहली बार विदा होकर विपक्षी अभियुक्त के घर गई तो उसके चाल चलन व सोहबत का उसे मालूम नहीं था। जब अपने ससुराल में वह रही तब मालूम हुआ कि वह शराब पीता है तथा गलत औरतों के चक्कर में पड़ा रहता है। परिवादिनी ने यह भी अभिकथित किया कि उसे दिसंबर 1998 के आखिर में श्री संतोष पुत्र सूरजपाल द्वारा मालूम हुआ कि विपक्षी ने आशा के साथ उसको परिवादिनी को बिना तलाक दिए
गैर कानूनी व नाजायज तरीके से 19 अप्रैल 1998 को शादी कर ली है। तब वह तथा उसके साथ गांव की श्रीमती शशि पुत्र श्यामलाल सिंह निवासी नगला ख्याली थाना मिरैची जिला मैनपुरी अपने ससुराल उज्जैन गई तथा मालूम हुआ कि अन्य औरत के साथ विपक्षी अभियुक्त ने विवाह कर लिया है, जिसकी बाबत उसने अपने पति से कहा तो उक्त गवाहान के सामने उसे मारने पीटने लगे तथा घर से निकाल दिया तथा कहा जो मेरे मन में आया वह मैंने किया, तुम जो कर सको तो कर लेना। परिवादिनी ने अब कथन किया है कि विपक्षी गण को पत्नी पत्नी की तरह उसने रहते पाया तथा उसके साथ विपक्षी अभियुक्त द्वारा अन्याय किया गया है। परिवादिनी ने घटना के संबंध में रिपोर्ट की तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा को दिनांक 8/1/1999 को प्रार्थना पत्र भेजा। पुलिस द्वारा कार्यवाही न किए जाने पर परिवादिनी द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विपक्षी गण अरविंद सिसोदिया और श्रीमती आशा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 494 व 498 के अंतर्गत विचारण हेतु परिवाद न्यायालय में योजित किया गया। परिवाद संस्थित किए जाने के उपरांत न्यायालय द्वारा परिवादिनी का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के प्रावधान के अंतर्गत अंकित किया गया। परिवादिनी की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के प्रावधान के अंतर्गत पीडब्ल्यू 1 तथा पीडब्ल्यू 2 के रूप में क्रमशः हृदेश कुमार पुत्र रामेश्वर तथा श्रीमती शशि पत्नी श्री अशोक को परीक्षित कराया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त अरविंद सिसोदिया के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अंतर्गत विचारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्त अरविंद सिसोदिया को विचारण हेतु आहूत किया गया। अभियुक्त अरविंद न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा उसने अपनी जमानत कराई। परिवादिनी की ओर से स्वयं परिवादिनी श्रीमती राजकुमारी पीडब्ल्यू 1 के रूप में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 244 के प्रावधान के अंतर्गत परीक्षित हुआ तथा उसका बयान अंकित किया गया। इसके अलावा परिवादिनी की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 244 के प्रावधान के अंतर्गत पीडब्ल्यू 2 श्रीमती शशि व पीडब्ल्यू 3 टिंकू उर्फ अशोक को परीक्षित कराया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त अरविंद सिसोदिया के विरुद्ध दिनांक 25/5/2001 को भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया, जिससे इनकार करते हुए उसने विचारण की इच्छा व्यक्त की।
अतः अभियुक्त का उपरोक्त आरोप के संबंध में न्यायालय द्वारा विचारण किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 246 के प्रावधान के अंतर्गत परिवादिनी की ओर से स्वयं परिवादिनी श्रीमती राजकुमारी PW1 के रूप में परीक्षित हुई तथा उसकी ओर से PW2 टिंकू उर्फ अशोक, PW3 हृदेश कुमार को परीक्षित कराया गया, जिनसे अभियुक्त की ओर से प्रतिपरीक्षा की गई। परिवादिनी के साक्ष्य समाप्ति के उपरांत अभियुक्त का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के प्रावधान के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा लेखबद्ध किया गया। उपरोक्त कथन में अभियुक्त द्वारा परिवादिनी की ओर से परीक्षित कराए गए साक्षीगण के साक्ष्य के संबंध में कथन किया गया कि साक्षीगण द्वारा गलत बयान दिया गया है। अभियुक्त की ओर से अपने कथनों के समर्थन में साक्ष्य दिए जाने का कथन किया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता गण के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया गया।